दोस्तों विंटर के वार्म और वेलकमिंग नेचर के साथ नाइक आपके लिए एक और क्लासिक सोलर शू लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी स्पेसिफिकेशन और कलर ग्रेडिंग को देखकर आपका भी मन चेकबोर्ड चेकबोर्ड हो जाएगा। एक्चुअली दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एयरफोर्स वन LBJ की, और दोस्तों LBJ स्टैंड करता है द लेब्रोन जेम्स। जी हाँ दोस्तों, अब की बार लेब्रोन जेम्स का शू एयरफोर्स वन शू में उतारा गया है, और दोस्तों जिसका स्टाइल कोड DC8872002 दिया गया है, और इस शू को जल्द ही 6 दिसंबर 2021 को नाइक की वेबसाइट पर सुबह 7:30 बजे 11,495 रुपए के साथ रिवील कर दिया जाएगा। दोस्तों ये शू इंस्पायर्ड है लॉस एंजलिस के बाल्मी विंटर से, जहां पर विंटर का मौसम बड़ा ही वार्म और वेलकमिंग नेचर का है। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए शो को स्टार्ट करते हैं और LBJ AF1 की स्पेसिफिकेशन प्रारंभ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नजर डाल लेते हैं शू की लेफ्ट साइड में, जहां पर सबसे पहले नजर पड़ती है क्वार्टर पार्ट पर, जिस पर डिजाइन पैटर्न दे रखा है चेकबोर्ड का, और इसी चेकबोर्ड डिजाइन के ऊपर शूज मिल जाता है नाइक का, वो भी ब्लैक कलर में। शू के इस चेकबोर्ड और नाइक शूज का डिजाइन क्लासिक सोलिड की वाइब्स के साथ साथ एक वार्म और प्लीजेंट की फील देता है। शू का मडगार्ड पार्ट टोटली क्रीम कलर में दिया गया है, जो कि लेदर मटेरियल में है, और वहीं शू की आउटसोल ईवा यानी मिड सोल व्हाइट दी गई है, जिस पर मोटे धागे की सिंगल स्टिचिंग के साथ साथ एयर लेटर की ब्रांडिंग भी दी गई है, और मिड सोल में ये एयर लेटर की ब्रांडिंग यानी जो मिड सोल में जो एयर लेटर है वो रिप्रेजेंट करता है एयरफोर्स वन की ब्रांडिंग को। चलते हैं शू की दूसरी साइड में, जहां पर सेम ही डिजाइन और पैटर्न देखने को मिलता है जस्ट लाइक लेफ्ट साइड शू। शू की इंसोल क्रीम कलर में देखने को मिलती है, और जिस पर प्रिंट कर रखा है स्ट्राइव फॉर द ग्रेटनेस बड़े ही स्टाइलिश फॉन्ट में, और ये इंसोल का कलर फील देता है लेडीज के फेस पैक की, जो कि लेडीज आमतौर पर फेस पर लगाती है। शू की टंग भी क्रीम कलर विद पैडेड फॉर्म में दी गई है, जिस पर स्टिकर देखने को मिलता है ब्लैक, और ब्रांडिंग दे रखी है नाइक एयर लेटर और एयरफोर्स वन की। शू का स्टिकर ब्लैक विद ब्लू कॉम्बिनेशन लेटर प्रीमियम नेस की वाइब्स को बढ़ा देता है, और शू को एक स्टेप आगे ले जाता है। चलते हैं लेस की तरफ, तो लेस और थ्रोट दोनों क्रीम कलर में दी गई है, जो की बड़ा ही सिंपली फॉर्म में डिजाइन किया गया है। बात करते हैं टो बॉक्स पार्ट की, तो टो बॉक्स पार्ट पर मिल जाते हैं बहुत सारे होल्स, और इवन ऊपर की ओर लोगो मिल जाता है ब्लैक, वो भी जेम्स लेब्रोन का, जो कि किंग जेम्स को शो करता है। आपको टो बॉक्स पार्ट भी लेदर फॉर्म में देखने को मिलता है। चलते हैं शू की बैक साइड में, जहां पर नाइक कंपनी ने क्रिएटिविटी की काफी भरमार कर रखी है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं हील लॉच पार्ट की, जिस पर दे रखा है ब्लैक लेदर, और इस ब्लैक लेदर पर लोगो मिल जाता है द किंग जेम्स लेब्रोन का, और एक लोयन के कैरेक्टर को भी शो किया गया है, जिसने क्राउन पहन रखा है, जो कि अगेन रिजेंबल करता है द जेम्स लेब्रोन को, और साथ में मून और ट्री का भी लोगो दिया गया है, वो भी प्रीमियम ब्लू कलर में। बाकी नीचे का हिस्सा चेकबोर्ड पैटर्न में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर पीछे का हील टैब व्यू अपने आप में खास है, क्योंकि शू हील टैब वाले पार्ट में फील ही नहीं होने देता कि शू एयरफोर्स वन का है। शू बल्कि जेम्स लेब्रोन की ज्यादा वाइब्स देता है, सो डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है AF1 और जेम्स लेब्रोन में। चलते हैं सबसे नीचे की ओर, रबर आउटसोल लाइट क्रीम कलर में दी गई है, जिस पर अगेन नाइक का वही ओल्ड डिजाइन व पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि नाइक हर बार इसी डिजाइन को शू में चिपका देता है। अब बात करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, तो एयरफोर्स वन शू में जेम्स लेब्रोन का एडिशन शू को एक नई कैटेगरी में ले जाता है, जैसे जेम्स लेब्रोन शू, एयर जॉर्डन शू, और उसी तरह AF1
लेब्रोन शू। शू का क्रीम और टैन कलर कॉम्बिनेशन विद चेकबोर्ड डिजाइन काफी क्रिएटिव डिजाइन है और ब्लू कलर शू में काफी रिचनेस ही भर देता है, तो मुझे अच्छा लगा। शू को मैं 9 out of 10 देना चाहूंगा। अगर आपको भी शू की डिटेल्स पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल पर बने रहना। तब तक के लिए बने रहिए इंडियन जूता वाला के साथ।